देखो जैसे हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन सीखा, अच्छा अब देखो क्या होता है, जैसे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th में पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हालांकि ये कंप्लीट टॉपिक हम 12th में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा इसको अलग से, लेकिन इसका थोड़ा आइडिया होना जरूरी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन, इसका यूज हर जगह हो जाता है, ध्यान दीजिए, है ना। तो देखो ऐसा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको शॉर्ट में ITF भी कहते हैं ना, ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखो ध्यान दो, होता क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनके भी इनवर्स निकलते हैं। जैसे मैंने बताया अगर फंक्शन 1 1 on 2 है तो उसका इनवर्स निकल सकता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके भी इनवर्स निकलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, शॉर्ट में ITF। ये पूरा टॉपिक तो हम देखेंगे बाद में जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे, अभी इसकी थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एप्लीकेशन मैथ्स के हर टॉपिक में हर जगह होता है। तो IIT के क्वेश्चंस में यही खास बात है, IIT क्या करता है, 2 या 3 टॉपिक को मिला देता है, तो इसलिए हमें हर टॉपिक के जो इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनका एप्लीकेशन हर जगह होता है, उनके बेसिक्स आने चाहिए। जैसे हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, फंक्शन का एप्लीकेशन हर जगह है, मतलब जबरदस्ती फंक्शन को डाला जाता है हर जगह, जिस टॉपिक में जरूरत नहीं उसमें भी IIT वाले डाल देते हैं। वही चीज देखो ITF के साथ में, ITF को भी ये लोग हर जगह जबरदस्ती यूज कर देते हैं। अब ये एक टॉपिक है 12th क्लास में, इसको हम पढ़ते हैं, मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा इसको आगे चल के, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमें इसके कुछ बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जिससे अगर इसका एप्लीकेशन कहीं पर हो तो उसको हम आसानी से कर ले जाएं, डरे नहीं, ध्यान दो। तो देखो ध्यान दो, जैसे हम मान लो अगर एक फंक्शन लेते हैं f फ्रॉम r टू r, fx इक्वल टू साइन x, मान लो हमने ये फंक्शन लिया fx इक्वल टू साइन x। देखो जब हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, देखो साइन का ग्राफ ऐसे करके बनता है, ये होता है साइन का ग्राफ, ध्यान दो, देखो ऐसे करके, ये होता है 0, ये पाई बाई 2, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है, ये होता है 2 पाई, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, और यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बोलो -1, यहाँ पर ध्यान दो। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर ये साइन का ग्राफ है, ठीक। अब देखो ध्यान दो, अगर हमसे ये पूछे क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो देखो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर आप x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो कई सारे पॉइंट्स पर काटेगी, मतलब ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है क्योंकि x के पैरेलल लाइन बहुत सारे पॉइंट्स पर काटेगी। अच्छा क्या ये फंक्शन ऑन टू है, देखो इसका रेंज क्या है, रेंज क्या है -1 से 1 तक, और कोडोमेन क्या है r, तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, ऑन टू भी नहीं, मतलब ये फंक्शन जो हमने r टू r लिया है ये फंक्शन नाइदर 1 1 है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ना तो ये फंक्शन 1 1 होगा और ना ही ये फंक्शन ऑन टू होगा। अब देखो इसका इनवर्स कैसे निकाला जाए, क्योंकि जो 1 1 ऑन टू होता है उसी का इनवर्स निकलता है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखो इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पर है -π/2, है ना, ये π/2, तो वो हम लोगों ने देखा था कि अगर डोमेन और कोडोमेन बदल दिया जाए तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू बनाया जा सकता है, ध्यान दीजिए, तो हम इसका डोमेन और कोडोमेन बदलेंगे, इसको 1 1 ऑन टू बनाएंगे। एक सेकंड, मैं जरा पेन में इंक डाल लूं, देखिए इसका डोमेन और कोडोमेन बदल देंगे। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम इसको -π/2 से π/2 ले ले, देखो इसके डोमेन को क्या किया, देखो हमने इसका डोमेन ले लिया -π/2 से π/2, है ना, देखो यहां से यहां तक, देखो ये इसका डोमेन हो गया -π/2 से π/2, हमने इसका डोमेन ले लिया,
और इसका जो कोडोमेन है वो देखो ले लिया हमने माइनस वन से वन तक, है ना, डोमेन देखो यहां से यहां तक ले लिया और कोडोमेन क्या लिया देखो माइनस वन से लेकर के वन तक, ध्यान दो। अब देखो क्या हुआ, अगर हम इस डोमेन और इस कोडोमेन में इस फंक्शन को देखें एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स को देखें तो देखो हमें ये सिर्फ इतना सा दिखाई देगा, ये होगा पाई बाई टू माइनस पाई, देखो ऐसे करके ये देखो इतना फंक्शन हमको दिखाई देगा, बस देखो ये दिखाई देगा। अगर हम इसको माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में देखेंगे तो इसका इतना पार्ट हमको दिखाई देगा, है ना। तो क्या किया, फंक्शन तो साइन एक्स ही रहा, डोमेन कोडोमेन को बदल दिया। देखो डोमेन ले लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब देखो ध्यान दो, अब ये फंक्शन वन वन हो गया। देखो इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है माइनस वन से लेकर के वन तक ऐसे, और वो देखो इसके कोडोमेन के बराबर है। तो अब ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया है। वन वन क्यों हुआ, देखो एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे एक ही पॉइंट पर काटेगी, जितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो हर लाइन एक ही पॉइंट पर काटेगी, है ना, इसलिए वन वन। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि इसका रेंज माइनस वन से वन जो कि कोडोमेन के बराबर, तो ये फंक्शन कैसा हो गया बोलो, बाइजेक्टिव हो गया। बाइजेक्टिव मतलब ये फंक्शन वन वन भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, क्योंकि देखो इसमें वन वन है क्योंकि एक्स के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटेगी, ऑन टू है क्योंकि इसका रेंज माइनस वन से वन है जो कि कोडोमेन के बराबर है। तो ये फंक्शन वन वन भी हो गया और ये फंक्शन देखो ऑन टू भी हो गया, ध्यान दो। इसका मतलब इसका इनवर्स निकल आएगा, इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ध्यान दो। अब जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा देखो वो क्या होगा, जैसे मैंने बताया था इनवर्स में क्या होता है, ए और बी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ध्यान दो। देखो जैसे ये फंक्शन देखो है माइनस पाई बाई टू से यहां से लेके यहां तक, तो इसका जब इनवर्स हम निकालेंगे देखो तो इसका जो इनवर्स होगा वो हो जाएगा माइनस वन कॉमा वन से लेकर के माइनस पाई बाई टू कॉमा पाई बाई टू। मतलब ये डोमेन ये रेंज, तो रेंज बन गया डोमेन और डोमेन क्या बन गया बोलो रेंज, ठीक है। तो देखो क्या हुआ कि इस फंक्शन का इनवर्स मिल जाएगा। अच्छा वो इनवर्स होगा क्या, उस इनवर्स को लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखो इनवर्स जैसे अभी तक जब एक्स और वाई वाले सवाल आते थे तो हम इनवर्स को निकालते थे, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में निकालते थे। देखो यहां भी वही चीज है, ऐसे मान लो हमें y बराबर साइन एक्स दिया जाए तो हम x की वैल्यू निकालें तो क्या बन जाएगा बोलो, साइन इनवर्स y, और x को लिख दें f इनवर्स y, तो f इनवर्स y बराबर क्या हो गया बोलो साइन इनवर्स y, है ना। तो देखो अब हम इसको फिर से एफ एक्स मान लें, एफ एक्स नहीं तुम जी एक्स मान लो, अगर तुम्हें लगता है कि इसको एफ एक्स मानना तो इसे एफ एक्स कैसे मान सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी भी फंक्शन को एफ एक्स आप मान सकते हैं, एफ एक्स फंक्शन का सिंबल है। तो जैसे आप साइन को भी एफ एक्स मान सकते हैं, कॉस को भी एफ एक्स मान सकते हैं, साइन वर्स को भी आप एफ एक्स मान सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ आपने क्या किया, वेरिएबल को बदल दिया तो एफ इनवर्स एक्स हो गया। तो आप चाहे तो इसको एफ इनवर्स एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे तो आप एफ इनवर्स एक्स लिख लो और खाली एफ एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ एक्स का मतलब कोई भी जनरल फंक्शन, अब वो साइन एक्स का इनवर्स फंक्शन है इसलिए उसको एफ इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान दो, ये जो हमारा साइन इनवर्स आया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, देखो ध्यान दो ठीक। अब देखो यहां पर क्या होगा, इसको हमने वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स मान लिया। अब देखो जो एक्स है वो इसका डोमेन है, इसका एक्स मतलब इसका डोमेन है ना, इसका एक्स मतलब इसका डोमेन है ना, इसका वाई मतलब इसका रेंज। जैसे मान लो अगर हम इसको वाई बराबर साइन एक्स लिखें तो एक्स का मतलब ये, वाई का मतलब ये। अच्छा अब देखो यहां पर जो एक्स है, एक्स का मतलब वो इसका डोमेन है, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो माइनस वन से वन तक जानी चाहिए और जो वाई की वैल्यू है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जानी चाहिए, ध्यान दो है ना।
अगर हम y इक्वल टू साइन प्लस x लिख रहे हैं तो x कहां से कहां तक जाएगा बोलो, माइनस वन से वन तक जाएगा, और y कहां से कहां तक जाएगा बोलो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जाएगा, ध्यान दो, है ना। तो अब ये बात याद रखना हमेशा कि जब भी हम y बराबर साइन प्लस x लिखेंगे तो x ऐसा होगा y ऐसा होगा, इसकी वजह क्या है मैंने आपको समझाई, क्योंकि ये साइन इनवर्स इस साइन से निकला है, इसका डोमेन और कोडोमेन बदला हुआ है, और इसका डोमेन कोडोमेन और साइन इनवर्स लिया तो आपस में इंटरचेंज हो गए, तो x की वैल्यू हो गई माइनस वन से वन तक, और y की देखो वैल्यू क्या हो गई बोलो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक हो गई, ध्यान दो। अब देखो क्या होगा, जैसे ये हमने y बराबर साइन इनवर्स x लिखा, ठीक, तो अब देखो होता क्या है, जैसे हमसे कहा जाए कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो ध्यान रखना ग्राफ बनाने का तरीका, देखो कोई भी फंक्शन और उसका इनवर्स y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। लिख लो इस बात को कि फंक्शन एंड इट्स इनवर्स fx एंड f इनवर्स x आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x लाइन, मतलब फंक्शन और उसका इनवर्स ये हमेशा y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होंगे। देखो कैसे, देखो होता क्या है यहाँ पर, इस सबको मिटा दें क्योंकि ग्राफ थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा और ग्राफ जरूरी है, बिना ग्राफ को बनाए हम बहुत सी बातों को समझ नहीं पाएंगे, इस टॉपिक को डिटेल से तो बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका कुछ बेसिक हम सीख रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या होता है, ऐसे मान लो हमने ये लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, देखो ऐसे। अब मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है साइन एक्स, मान लो ये हमारा साइन फंक्शन है, ऐसे करके ये ऐसे, है ना, यहां पर मान लो है माइनस पाई बाई टू और यहां पर मान लो क्या है बोलो प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ये हो जाएगा वन और यहां पर क्या हो जाएगा बोलो माइनस वन हो जाएगा, ये हमारा फंक्शन है वाई बराबर साइन एक्स, ठीक, ये फंक्शन क्या है बोलो वाई इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है। क्या किया देखो, हमने एक लाइन लिया y इक्वल टू एक्स लाइन, देखो ध्यान दो ये लाइन होगा y इक्वल टू एक्स लाइन, देखो ध्यान देना, मैं शायद आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बताया हो कि जैसे अगर हम तीन ग्राफ बनाएं, मान लो ये ग्राफ बनाया y बराबर टेन एक्स, ठीक है, और ये ग्राफ बनाए y इक्वल टू एक्स लाइन और ये बनाए साइन एक्स, तो ये ऐसे होते हैं, ध्यान रखना हमेशा टेन एक्स ऊपर होता है फिर x होता है फिर साइन एक्स होता है, ये इनका है ना पोजिशन होता है, इस बात को याद कर लो आप हमेशा के लिए, ये बहुत जगह काम आएगा, y इक्वल टू टेन एक्स ये होता है फिर x होता है फिर sin x होता है, तीन ग्राफ बनाए तो ऐसे बनते हैं, ठीक है। देखो इसका मतलब x लाइन sin x से ऊपर है, देखो जैसे यहाँ पर हमने किया ना y बराबर x लाइन को, y बराबर x लाइन क्या होता है ओरिजिन से पास होता है, एंगल कितना बनाता है 45 डिग्री, ठीक है, तो y बराबर x लाइन जो है देखो वो हमने sin x से ऊपर बनाया, इसीलिए अब देखो ध्यान दो, जब हमने साइन एक्स को बनाया तो एक्स को लिया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, वाई को लिया माइनस वन से वन, क्योंकि ये इसका डोमेन ये इसका रेंज। अब देखो इसी के अबाउट सिमेट्रिक करो, मतलब जैसा अगर आप इधर है वैसा इधर बनाओ, देखो ये ऐसे करके ये बनाओ ये ऐसे, है ना, इसी का इसके अबाउट सिमेट्रिक, मतलब अगर आप इसके अबाउट इसे फोल्ड कर दें तो ये इस पर आ जाएगा, है ना, इसके अबाउट देखो सिमेट्रिक। अब देखो ध्यान दो, इसी प्रकार ऊपर अगर आप नीचे बनाओ यहां पर देखो ऐसे करके ये, है ना, तो इसका सिमेट्रिक पार्ट इधर आ गया, इसका सिमेट्रिक पार्ट यहां चला गया और इसका सिमेट्रिक पार्ट देखो यहां पर ऐसे आ गया, ध्यान दो। तो ये y बराबर साइन एक्स है और ये है y बराबर साइन इनवर्स x, देखो ध्यान दो। अब साइन इनवर्स में x कहां से कहां तक जाता है बोलो, माइनस वन से वन तक जाता है, देखो यहां पर ये ऐसे, और y कहां से कहां तक जाता है बोलो, y जाता है माइनस पाई बाई टू से लेकर के प्लस पाई बाई टू तक, ठीक। तो ये है y बराबर x लाइन, देखो ये है y बराबर x लाइन, ठीक, ये है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ और ये है y इक्वल टू साइन इनवर्स का ग्राफ। अब आप ये ग्राफ याद कर लो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ ऐसे बनेगा,
तो ये बहुत से ग्राफ हैं जो हमें याद होने चाहिए। देखो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ, इसको याद कर लो आप। इसमें x क्या है बोलो, x है माइनस वन से वन तक, और y क्या है बोलो, y है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। तो ये y बराबर साइन इनवर्स x का ग्राफ अब आप याद कर लो हमेशा के लिए। आया ऐसे है, कैसे आया बताया मैंने, फिर किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ बनाना हो तो पहले उस फंक्शन को बनाओ, y इक्वल टू x लाइन को बनाओ, फिर उस फंक्शन को y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर दो। ठीक है ना, क्या बताया मैंने कि अगर तुम्हें किसी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ चाहिए तो पहले आप क्या करोगे, फंक्शन को बनाओ, y इक्वल टू x लाइन को बनाओ, उसके बाद उस ग्राफ को y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कर दो, तो उसके इनवर्स का ग्राफ हमको मिल जाएगा। तो ये फंक्शन है, ये y equal to x line है, और ये इसका क्या हो गया बोलो, इनवर्स। ध्यान दो, तो इनवर्स का ग्राफ वैसे भी आप अलग से याद रखो, माइनस वन टू वन और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ऐसे करके ये इनवर्स का ग्राफ जाएगा। ठीक बात है। अच्छा अब देखो, ध्यान दो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज पर, देखो जैसे मान लो हम बहुत सी जगह पर ऐसे लिखते हैं y बराबर sin x, है ना। अब जैसे y बराबर sin x लिख रहे हैं तो भाई sin x का डोमेन क्या होता है, x belongs to R होता है, और रेंज क्या होता है, माइनस वन से वन होता है, इसमें कोई नई बात नहीं, y बराबर sin x, है ना, भूल जाओ इनवर्स क्या है, y बराबर sin x, y बराबर sin x में x क्या होता है डोमेन मतलब R, और रेंज क्या होता है y माइनस वन से वन। देखो अच्छा, अगर मान लो हम y बराबर sin x लिखें और इसके तुरंत बाद इसका इनवर्स डिफाइन कर दें, लिखते ही उसका इनवर्स निकाल दिया, अब क्या होगा, देखो अब आप x को r नहीं ले सकते क्योंकि आपने sin को भी यूज किया, मतलब अगर कोई सवाल ऐसा हो जहां पर इस रिजल्ट का भी यूज हो और इसका भी यूज हो, दोनों का यूज हो, तो अब आप x को r नहीं लिखेंगे, अब आप x को लिखेंगे देखो यहां पर माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ध्यान दो, और y को लिखेंगे माइनस वन से वन तक, ध्यान दो, देखो ध्यान दो, क्योंकि आपने साइन का इनवर्स डिफाइन कर दिया। तो जैसे अब देखो दो बातें हैं, जैसे यहां पर जब हम y बराबर साइन वर्स x लिख रहे थे, जब हम y बराबर साइन वर्स लिख रहे थे तो x क्या ले रहे थे, हम x को ले रहे थे माइनस वन से वन तक, और y क्या ले रहे थे, y हम ले रहे थे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। जब हम y बराबर साइन वर्स x ले रहे थे तो x क्या था, माइनस वन से वन तक था, और y क्या था बोलो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक था। ठीक, अब देखो x, x का मतलब जो साइन वर्स के आगे है, और देखो यहां पर साइन वर्स के आगे y है, तो जो वहां पर x था वो यहां y बन गया। अब हम कहेंगे y की वैल्यू माइनस वन से वन तक होगी, मतलब y इसका डोमेन हो गया, तो मतलब ये है कि x y के चक्कर में भी यहां पर ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। जो साइन इनवर्स के मतलब जो फंक्शन के आगे है वो डोमेन, और जो उसका रिजल्ट है वो रेंज। अब आप ऐसे समझो, जैसे अभी तक हम कहते थे भाई x का मतलब डोमेन, y का मतलब रेंज, क्योंकि फंक्शन के आगे x होता था, पूरे की वैल्यू y मानते थे। अब थोड़ा मामला बदल गया है, अब आप ऐसे समझो कि साइन वर्स के आगे क्या है बोलो y, तो y डोमेन हो गया, और पूरे की वैल्यू क्या है x, तो x क्या हो गया, रेंज। यहां पर देखो x डोमेन था, साइन वर्स के आगे क्या है x, वो डोमेन था, क्या है माइनस वन से वन, पूरे की वैल्यू y वो रेंज है, क्या हो गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और यहां पर देखो y क्या हो गया माइनस वन से वन, और x क्या हो गया माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब ये हो गया डोमेन माइनस वन से वन, और ये हो गया रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ध्यान दो। तो देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही आप साइन x का इनवर्स निकालेंगे तुरंत आपको ये डोमेन और ये रेंज, मतलब देखो इसमें उल्टा है, इसका डोमेन है x, इसका रेंज है y,
इसका डोमेन है एक्स और इसका रेंज है वाई, और इसमें इसका डोमेन है वाई और इसका रेंज क्या है, बोलो एक्स, है ना। फिर समझो, इसका डोमेन है एक्स, इसका रेंज है वाई, इसमें क्या हुआ देखो, डोमेन है वाई और रेंज क्या है, बोलो एक्स। तो ये बात ध्यान देना होगा। अब देखो, जैसे मान लो हम लिख रहे हैं वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर लिख सकते हैं एक्स बराबर साइन वाई, क्योंकि साइन वर्स एक्स लिखा, तो एक्स क्या हुआ बोलो, एक्स क्या हुआ, एक्स हुआ माइनस वन से वन तक, और वाई क्या हुआ, वाई हुआ माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ध्यान दो, है ना। जैसे हमने वाई बराबर साइन वर्स एक्स लिखा, तो एक्स क्या हो गया बोलो, माइनस वन से वन तक, और वाई क्या हो गया बोलो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ध्यान दो। तो ये जो एक्स और वाई है, इसको समझना पड़ेगा ध्यान से। मतलब साइन इनवर्स का डोमेन होता है माइनस वन से वन, अब साइन इनवर्स के आगे अगर एक्स है तो एक्स हो गया डोमेन, और साइन इनवर्स के आगे अगर वाई है तो वाई हो गया डोमेन। डोमेन क्या है, माइनस वन से वन, और साइन इनवर्स का रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब वो एक्स भी हो सकता वाई भी हो सकता, है ना। हाँ, अगर सिर्फ आप वाई इक्वल टू साइन एक्स लिख रहे हैं, इसका इनवर्स नहीं ले रहे हैं, तो एक्स ये होगा वाई ये होगा, और जब आप साइन के साथ साथ उसका इनवर्स भी ले रहे हैं, तो आपको इनवर्स के डोमेन और रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।